हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल बिगर जॉय स्कूल में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आज फिर से आपके सामने अनुसूचियों को लेकर। इससे पहले हमने आपको बता दिया, आज आठवीं अनुसूची के बारे में बात करने वाले हैं। पहले हमने सात अनुसूची के बारे में आपको बता दिया है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, हमने सात अनुसूचियाँ आपको पहले बता दी है। आज हम आठवीं अनुसूची के बारे में बात करने वाले हैं। आठवीं अनुसूची रिलेटेड है लैंग्वेज यानी भाषाओं से। आठवीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया है। आपको बताएं, सबसे पहले मूल रूप से जब संविधान बना था तो इसमें टोटल 14 लैंग्वेज को शामिल किया गया था। 14 लैंग्वेज हैं जो संविधान में हमारे शामिल थी। समय समय पर संशोधन करके उन भाषाओं को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें 1967 में सिंधी लैंग्वेज को इसमें जोड़ दिया गया था और इनकी संख्या 15 हो गई थी इस समय। इसके बाद में 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये तीन लैंग्वेज हैं जो हमारे संविधान में जोड़ दी गई थी। इसके बाद 2004 में जब हम बात करते हैं तो उस समय चार लैंग्वेज और जोड़ी गई थी इस आठवीं अनुसूची में, और वो लैंग्वेज है मैथिली, संथाली डोगरी और बोडो। ये चार लैंग्वेज हैं जो 2004 में हमारी आठवीं अनुसूची में जोड़ दी गई थी। टोटल मिला के अब 22 लैंग्वेज हैं जो हमारी भाषाओं में शामिल हैं। इस समय हमारे आठवीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं जो आठवीं अनुसूची में शामिल हैं। आपको बता दें हम वो 22 भाषाएं हैं। सबसे पहले तो इसमें आती है असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु, उर्दू। ये भाषाएं 22 भाषाएं हैं जो हमारी आठवीं अनुसूची में शामिल है। ये हमारा आठवीं अनुसूची के बारे में आपको वीडियो था। अब आप हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं आपके लिए नवीं अनुसूची। हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें बताएं आपको किस विषय पर और वीडियोज़ चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।